जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपके चैनल अपने चैनल में आरटेक ब्लॉग्स में। तो भाई, पार्किंग लाइट स्विच अपनी बाइक में कैसे इंस्टॉल करें, बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि भाई बाइक में 4x4 का स्विच और चारों इंडिकेटर, जिसे कहते हैं चारों इंडिकेटर एक साथ कैसे ब्लिंक करें। बहुत ईजी है, बस आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो चलिए आपको बताता हूँ सीधा प्रोसेस इसको कैसे करें। चलिए सीधा इसकी तरफ चलते हैं कि कैसे अपनी बाइक में पार्किंग लाइट स्विच इंस्टॉल करें। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो से तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आप एक मार्केट में जाइए, पार्किंग लाइट स्विच होता है जिसे 4x4 स्विच भी कहते हैं, वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं, वो आई थिंक 40 से 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। और वायर ले लीजिए, सेकेंड चीज़ वायर, 2 से 3 मीटर वायर ले लीजिए, और आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर, तीसरी चीज़ स्क्रू ड्राइवर, नॉर्मली सबके घर में होता है यार, स्क्रू ड्राइवर ले लो, बस इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए भाई कैसे इंस्टॉल करना है आपको बताता हूँ। ना कि अपनी बाइक का ही कवर होता है, इसमें आप की डालेंगे और ये खुल जाएगा बाहर, इसको नीचे रखा तो आपको ये दिखी होगी एक वायर सी, इसको आप खींचोगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, फिर आप अपनी सीट हटाओगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी बाइक में पार्किंग लाइट का स्विच ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत इजी चीज़ है, आप भी सीख जाओगे। तो आप देख रहे हैं मैंने बाइक में ऑलरेडी पार्किंग लाइट का स्विच इंस्टॉल कर रखा है, ये मैंने मार्केट से 50 रुपीज़ का परचेज़ किया था। और इसके लिए वायर, तो मैंने वायर इसके नीचे से डाल रखी है, शायद आपको दिख रही हो यहाँ से, ये मैंने टैंक के नीचे से, जैसे दिखा दूँ आपको ये दिख रही है वायर, ये है लगती जो मैंने वायर इंस्टॉल किया इसके अंदर, ये वायर मैंने नीचे से निकाल के पहले वायर ली, वायर के ऊपर मैंने टेप करी, टेपिंग की इस वायर के ऊपर, फिर मैं इसको लेके यहाँ तक आया हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ तक, जहाँ पे इसका, जैसे ये वायर है पूरी यहाँ तक लेके आया, फिर इसमें जहाँ पे इसका इंडिकेटर का सिस्टम होता है बाइक का, आप इसे ओपन करेंगे। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, आपको दो स्विच मिलेंगे, दो प्लग मिलेंगे सॉरी, इसके एक ग्रे कलर का होगा जिसे शायद आप वाइट भी कह सकते हैं, और एक ग्रीन कलर का, रेड कलर वाले में कुछ नहीं करना, उसे मैंने साइड कर दिया है। और इसमें जो दो, आप इसको बाहर निकालेंगे ना, मैं अभी बाहर तो नहीं निकाल रहा हूँ, इसके अंदर दो स्विच होते हैं, दो जॉइंट मिलेंगे आपको, एक होता है पॉजिटिव का, एक होता है नेगेटिव का। तो आपको जो वायर होगी अलग से, दो वायर लेनी है, एक वायर ग्रे कलर के पॉजिटिव में डालनी है और इसको फिर बंद कर देना है, फिर जो दूसरी वायर होगी इसी की अलग से, जो मैंने वायर लगाई है पार्किंग लाइट स्विच की, दूसरी वायर इसको खोलोगे आप बाहर, इसमें भी एक नेगेटिव का प्लस का साइन होगा और एक नेगेटिव का सॉरी माइनस का साइन होता है और एक पॉजिटिव का साइन होगा, तो आपको पॉजिटिव वाले में डालना है और इसको बंद कर देना है। तो आपको एक बात मैं बता दूँ, जैसे मार्केट में मैंने अपना, तो आपको मैं बता दूँ, जैसे मार्केट से मैंने अपना स्विच खरीदा है, ये मेरे को 450 रुपीज़ का पड़ा है। जैसे मार्केट में यार दो तरह के स्विच आते हैं, एक तो सिंपल स्विच है ये 50 रुपीज़ का मेरे को पड़ा है, और एक स्विच आता है जिसमें लाइटिंग वाला होता है, तो मैंने वो स्विच नहीं परचेज किया, वो थोड़ा कॉस्टली था, वो 80 रुपीज़ का आई थिंक पड़ता, ये मुझे सस्ता लगा था क्योंकि यार लाइटिंग का क्या करना है, तो मैंने यही लगाया है। जैसे अगर आप लाइटिंग वाला स्विच भी लेते हैं, तो जैसे ये दो वायर तो आपको सेम एग्जैक्ट ऐसी लगानी है, जो तीसरी वायर होगी ना, अगर आप लाइट वाला स्विच लेते हैं उसमें तीन वायर होगी, जैसे एक दो और एक रेड कलर की होगी, रेड कलर वाली इसमें इंस्टॉल करनी है जो कि लाइटिंग का काम करेगी, रेड वाले में सेम इसी की तरह जैसे आपने ग्रीन और ये वाइट कलर वाले में आपने किया है, तो बस और इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, हर कोई घर बैठे कर सकता है इसको। तो आपको मैं इसको दिखा देता हूँ कि मैंने जब इसको इंस्टॉल हो गया तो उसका बाइक का लुक कैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं मीटर को आप, पहले इंडिकेटर का स्विच ऑन किया मैंने, आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था, फिर इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया, तो चारों इंडिकेटर अब ब्लिंक कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब चारों के चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत ईजी चीज़ है, आप में से कोई भी ये चीज़ कर सकता है। ये बैक से भी देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और आप ये देख रहे होंगे मैंने इसमें ये टेपिंग करवा रखी है, जैसे KTM की वगैरह की लाइट आती है इंडिकेटर, मैंने सोचा इंडिकेटर यार परचेज़ नहीं करता हूँ, इसी पे थोड़ी इसकी टेपिंग वगैरह करवा लेता हूँ, इस वजह से लुक अच्छा आ रहा है, अभी तो इतना आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब नाइट में मैं इसे ऑन करता हूँ पूरे लुक अच्छा आता है बाइक का।
तो हाँ भाई, एक बात मैं आपको और बता दूँ। मान लो अगर आप ये किसी अदर मैकेनिक से लगवाते हो पार्किंग लाइट 4x4 का स्विच, तो वो आपको बोलेगा कि भाई फ्रंट से लगा देता हूँ, मतलब सारी जो कनेक्शन होता है वायर का वो मैं फ्रंट से कर देता हूँ। तो भाई फ्रंट से मत करवाना, वो बेटर रहेगा आपकी बाइक के लिए और आपके लिए भी। हो सके पूरा कनेक्शन जो भी है पीछे से करवाना, क्योंकि पीछे बेटर रहता है यार। आपको अगर कोई भी इशू हो जाए, मतलब एकदम से कनेक्शन ना आ रहा हो, पावर ना आ रहा हो, तो आप खुद भी उसको ठीक कर सकते हो। तो भाई होपफुली आपने पूरी वीडियो को देखा होगा, और भाई वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो यहाँ पे बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको ज़रूर दबाना भाई। इसका फ़ायदा ये होगा आपको मेरी जो भी नई वीडियो होगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और भाई हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और भाई को सपोर्ट करो। तब तक के लिए भाई मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।